हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो हम हाजिर हैं आपके करंट अफेयर्स के 5 महत्वपूर्ण बिंदु लेकर। आज हमें पढ़ना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, यहां पर 2020 और लिख लें, ठीक है। दूसरा है सुखना झील, तीसरा है चपचार कुट, चौथा है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम और पांचवा है क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। तो ये है हमारे आज के 5 महत्वपूर्ण बिंदु जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम पहले जो पहला बिंदु है उसके बारे में देखते हैं, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। तो पहला बिंदु है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 आपकी जारी की गई एसडीएसएन द्वारा 8वां संस्करण जारी किया गया, ठीक। एसडीएसएन का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक। तो ये कौन सा संस्करण जारी किया गया, 8वां संस्करण। अब हम है क्या, इसमें कुल 154 देश शामिल किए गए जिनमें भारत का स्थान 144वां है। इस वर्ष भारत की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई है। अगर भारत की बात की जाए 2019 में तो ये था 140वें स्थान पर। कौन से 140वें स्थान पर। अगर बात की जाए प्रथम स्थान की तो वो है फिनलैंड, जबकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनकी स्थिति भारत से अच्छी दर्शाई गई है। तो यहाँ इसी रिपोर्ट में अगर नेपाल की बात की जाए तो वो है आपका 92वें स्थान पर, पाकिस्तान की बात की जाए तो वो है 66वें स्थान पर, बांग्लादेश है 107वें स्थान पर, श्रीलंका है 130वें स्थान पर। तो ये हैं भारत के पड़ोसी देश जिनकी स्थिति भारत से कई ज़्यादा अच्छी है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कुछ मानक होते हैं, मानक जिनको देखा जाता है, जैसे आपका जीवन प्रत्याशा हो गया, सामाजिक और आर्थिक वृद्धि हो गई, इसके अलावा स्वास्थ्य है, ठीक है। तो ये कुछ मानक होते हैं जो आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के लिए लिए जाते हैं। इस वर्ष की रिपोर्ट में क्या हुआ, भारत का जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर देखा गया। शहरी क्षेत्र का डेवलपमेंट कुछ अलग हिसाब से हो रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट अलग हिसाब से हो रहा है। और भी कई सारे मानक है जिनमें भारत खरा नहीं उतरा, इस वजह से भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। तो 2020 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 144वां स्थान है, पहले स्थान पर फिनलैंड है, ये 8वां संस्करण था आपका, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट जो है हमारा सुखना झील। चलिए भाई आगे देखते हैं, सुखना झील कहां पर है बताइए भाई। सुखना झील है आपके चंडीगढ़ में। कहां पर, चंडीगढ़ में। चलिए भाई दूसरा बिंदु है हमारा सुखना झील। तो हाल ही में क्या हुआ, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने क्या किया, सुखना झील को एक जीवित व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है या विधिक व्यक्ति का। तो इसको लिख सकते पंजाब बा हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखना झील को विधिक व्यक्ति
का दर्जा दिया। ठीक, अगर बात की जाए सुखना झील, तो ये है आपकी चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कार्बोजियर। तो ये कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील। तो यहां पे हम लोग लिख सकते चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर ने स्थापित की। ठीक है, तो सुखना झील को ये विधिक व्यक्ति का दर्जा मिल गया है। इस हिसाब से क्या है, अब इसमें ज्यादा कोई आपके संक्रमण नहीं कर सकता। सुखना झील में है क्या विधिक व्यक्ति का दर्जा? सबसे पहले भारत में 2017 में गंगा यमुना नदी को दिया गया था उत्तराखंड में। ठीक, अच्छा है क्या सुखना झील के पास ही आपका सुखना वन्य जीव अभ्यारण भी है? इस अभ्यारण में पेंगोलिन बा सांभर पाए जाते हैं। ठीक, अगर बात की जाए जीवित या विधिक व्यक्ति का दर्जा, तो भारत में 2017 में गंगा और यमुना नदी को दिया गया था। ये दिया गया था आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हालांकि इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया था। इसके अलावा क्या है, अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर सबसे पहले विधिक दर्जा दिया गया था न्यूजीलैंड की एक नदी है बागानुई नदी को। तो विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड की बागानुई नदी को यह दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुखना झील। अब हमें देखना है अपना तीसरा बिंदु चपचार कुट। तो आइए देखते हैं क्या है ये चपचार कुट। चपचार कुट एक महोत्सव है या उत्सव भी कह सकते हैं, जिसको आपके मिजोरम में मिजो समुदाय और इसके साथ कुछ और समुदाय आ जाते हैं उनके साथ मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। चलिए भाई, तीसरा बिंदु है हमारा चपचार कुट उत्सव। ये कहां मनाया गया? मिजोरम में मिजो समुदाय का अन्य समुदाय के साथ मिलकर। ठीक, होता क्या है मिजोरम में होती है झूम खेती। झूम खेती का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं उनको काटकर जो भूमि है वो खेती योग्य बनाई जाती है, उसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित खेती का मतलब है आज यहाँ खेती कर रहे हैं, फिर आगे निकल गए, फिर दूसरी जगह खेती कर रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे पेड़ काट दिए वहां से जमीन पर से, तो वहां पे जो नीचे जो उसके जो अवशेष बचे हैं उसके सूखने का इंतजार किया जाता है। तो उस इंतजार के दौरान आपका चपचार कुट उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते झूम खेती के दौरान भूमि के कृषि योग्य होने के इंतजार के दौरान मनाया जाता है। अच्छा, इस उत्सव के साथ साथ क्या है, यहां पर कई प्रकार के लोक नृत्यों का भी आयोजन किया गया। तो कौन कौन से लोक नृत्य, लोक नृत्यों का आयोजन कौन कौन से लोक नृत्य? एक है चिराव, दूसरा है खुल्लम,
कौन सा? खुल्लम। तीसरा है चेलम और चौथा है सोलकिया। ठीक, तो ये कुछ लोक नृत्य हो गए जो कि चपचारकूट उत्सव के दौरान आपके किए गए। तो आपको इतना याद रखना है कि चपचारकूट उत्सव जो है मिजोरम में मिजो समुदाय द्वारा झूम खेती के लिए कृषि योग्य भूमि बनने के इंतजार के दौरान किया जाता है। ठीक, अब हमें देखना है अपना चौथा बिंदु, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। चलिए देखते हैं। तो जो ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम है वो इथोपिया में स्थित है। कहां पर? इथोपिया में। और इसके कारण मिस्र, इथोपिया और आपके सूडान के बीच मतभेद हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है चौथा बिंदु है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। ठीक, इसका अगर पूर्व नाम कहा जाए, इसका जो पहले नाम था वो था मिलेनियम बांध, मिलेनियम बांध इथियोपिया मिस्र तथा सूडान के बीच मतभेद का कारण। ठीक है, क्या ग्रैंड इथोपियन जो रेनेसा डैम है वो आपके ब्लू नील नदी पर बना हुआ है। क्या नील नदी में दो नदियों का पानी जाता है, एक ब्लू नील नदी और एक को कहते हैं व्हाइट नील नदी। तो ब्लू नील नदी का 80% पानी, सॉरी नील नदी में जो 80% पानी है वो ब्लू नील नदी का रहता है और उसी ब्लू नील नदी पर ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम बना हुआ है। अच्छा, इस डैम से इन तीनों देशों को फायदा होने वाला है लेकिन फिर भी मतभेद है। तो ये डैम किस पर बना है? ब्लू नील नदी पर। यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, नील नदी की दो शाखाएं हैं, एक ब्लू नील नदी और एक व्हाइट नील नदी। ठीक है, तो 80% जल आता है आपका ब्लू नील नदी से नील नदी में और 20% जल आता है आपका इससे। अगर बात की जाए परियोजना, तो ये 6450 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, हाँ, स्थापना इस डैम की जो है स्थापना की गई थी 2011 में। कब की गई थी? 2011 में। तो आपको इतना याद रखना है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम किस नदी पर है, तो ब्लू नील नदी पर है। किन किन के बीच मतभेद का कारण? इथोपिया मिस्र और सूडान। इसके अलावा कुछ हमने आपको जानकारी ये भी दे दी। आपका अगला बिंदु या अंतिम बिंदु है क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। चलिए देखते हैं क्या है ये। कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक चर्च पर आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले का पूरा लाइव वीडियो आतंकवादी ने फेसबुक पे दिखाया था। तो इसी को लेकर है ये। चलिए देखते हैं क्या है पांचवा क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। तो इस पर क्या किया, भारत सहित 26 देशों ने क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन पर आपके हस्ताक्षर किए। भारत सहित 26 देशों ने इस कह सकते पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत क्या होगा, ऑनलाइन चरम पंथ पर आपकी रोक लगाई जाएगी। जैसे ऑनलाइन चरमपंथी वीडियो पोस्ट करना या ऑनलाइन चरमपंथी कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देना, तो इन सभी पर रोक लगाई जाएगी। तो इसके तहत होगा ऑनलाइन चरमपंथ
या कट्टरपंथ पर रोक लगाई जाएगी। ये किसके द्वारा किया गया शुरू? न्यूजीलैंड तथा फ्रांस द्वारा। क्यों शुरू किया गया? क्राइस्ट चर्च पर आतंकवादी हमले के बाद। अच्छा, अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अमेरिका ने क्या किया? मानव अधिकारों का हवाला दिया है कि हमारे यहां पर मानव अधिकारों का हनन हो जाएगा अगर हम इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो अमेरिका बाहर रहा। क्यों रहा? मानवाधिकारों का हवाला देकर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतिम बिंदु, क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। तो आज हमने 5 महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी ली। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।